And make popcorn kingdom. Egg was mango soup order. अरे वाह, वहां तो देखो कितने मजे के लग रहे हैं। अंकल मुझे भी पॉपकॉर्न दे दो। अरे जाओ ना, जब भी कोई कस्टमर आता तो तुम आ जाते, जाओ पैसे लेके तो ले जाओ। अंकल मैं आपको कल पैसे दे दूंगी। एक मिनट, पहले इसको तो भगाऊं। पहले तुझे बोला ना एक बार, कस्टमर के टाइम ना आया कर। चल जा शाबाश, चल जा। अंकल धक्का तो ना दे उस बच्ची को। बेटा आप लोगों को नहीं पता, ये जब भी कोई आप लोग जैसे आए ना, कोई भी कस्टमर आता है फौरन आ जाते मांगने के लिए ये लोग। अरे गुड़िया क्या हुआ, क्यों उदास बैठी हो आप? अंकल ने मुझे पॉपकॉर्न नहीं दिया। तो क्या हुआ, आओ मेरे साथ, मैं आपको देती हूँ, आ जाओ। आप मुझे देंगी? हाँ आओ मेरे साथ, चलो। आओ आओ, मैं आपको पॉपकॉर्न दूंगी। हाइदर भी मैं ले आई उस बच्ची को। माइदर भी कितनी क्यूट बच्ची है ना। गरीब है ना इसलिए क्यूट है। माइदर भी ऐसा तो मत कह, मासूम बच्ची है। अच्छा गुड़िया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जुनेरा। वाओ कितना प्यारा नाम है, आप कहाँ रहती हो? मेरा बनी है। तो आप किसकी नात आई हो यहाँ पर? पॉपकॉर्न चाचा है। अच्छा ये पॉपकॉर्न वाले आपके चाचा हैं? वैसे जैनब ये कैसे चाचा हैं? अपनी छोटी सी बेटी एक तरह की है, उसका ख्याल नहीं रखते। माइदा भी सही कह रही है, इस छोटे बच्चे का बाप भी नहीं है, चाचा होके उसको धक्का दे रहे हैं। इस बच्चे के तो चाचा को इसका ख्याल रखना चाहिए, क्यों आप बताएं? सही कह रही हो जैनब। चाचा मेरा अच्छा नहीं है, चाचा मुझे मारता है। अच्छा तुम्हारे चाचा तुम्हें मारते भी है, इसका मतलब तुम्हारे चाचा जालिम है। चाचा ने मुझे मारा था, ये देखो मेरा खून का निशाना, चाचा ने मुझे मारा था। माइदा पे कितने जालिम चाचा है, उसके हाथ में तो चोट का निशान भी है। ये देखो माइदा पे अभी भी उसके बाजू से खून निकल रहा है। ये देखो मैं ले आई, ये ले गुड़िया, ये मैं आपके लिए पॉपकॉर्न लेके आई हूँ। माइदा पे आपको पता है इस बच्चे के साथ ना जुल्म हो रहा है। क्या मतलब माइदा? ये जो पॉपकॉर्न वाले हैं ना, ये इसके चाचा है और इस बच्चे के ऊपर ना जुल्म करते हैं। जुल्म करते हैं? क्या जुल्म करते हैं? ये देखें गुड़िया, दिखाओ, ये देखें निकला खून निशान, दिखाओ दिखाओ, देखें ये कैसे खून निकला गुड़िया, देखा कितने जालिम चाचा है। सही कह रही हो, चाचा ने मारा था। अच्छा क्यों मारते हैं आपके चाचा? करके मेरी सफाई करो। अच्छा तो इसका मतलब क्या, आप बर्तन नहीं धोती तो आपको मारते हैं? अच्छा अच्छा चुप चुप चुप, देखो मैडम कैसे रो रही है। देखिए आयदा भी आपने तो बच्ची को रुला ही दिया। आयदा भी ऐसा करते हैं, छोटी बच्ची को ले जाते हैं घर, हम लोग तीन बहन है ना, और फिर हमारे पास एक और आ जाएगी, फिर हम लोग फोर आ जाएंगे। वाह आयदा भी, थोड़ी देर पहले तो इसकी बुराइयां कर रही थी, अब इसके साथ हो गई। अरे उसके दास्ता सुन के ना मुझे भी दुख हुआ, फिर उसके बाद वो रोने लगी। देखो मैंने अपना रोना कंट्रोल किया है, वरना तुम्हें पता है मैं रोने लग जाती हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ, आप रोए क्यों नहीं अभी तक, वरना तो आपने रोना शुरू कर देना था। अच्छा अच्छा गुड़िया चुप चुप, बहुत हो गया भाई, आप मेरे साथ चलोगे घर? आप मुझे तो मारती नहीं। नहीं मैं आपको नहीं मारूंगी। अच्छा आपको थप्पड़ मारते थे? आप ही काम नहीं कराना। आपको मैं ना काम कराऊं? हाँ। चलो ठीक है आपको नहीं काम कराऊंगी, ठीक है, आप तो वैसे भी बहुत छोटी हो। हाय तभी ये छोटी बच्ची तो राजी होगी हमारे घर जाने के लिए, मैं इसके चाचा से पूछ ले, ये ना वो हमसे लड़ाई करना शुरू कर दें। अरे भाई उनने कोई लड़ना स्टार्ट नहीं करना, उन्हें तो शुक्र करना कि इसे कोई लेके जा रहा है। वैसे मायदा का भी पॉइंट ठीक है कि चाचा आगे पीछे से मारता रहता है, तो अभी जाऊंगी तो कहेगा कि नहीं 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 लेके जाना, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन चलो फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। ले जाओ मेरे पास आने की जरूरत नहीं, ले जाओ इसको। हाय कैसे चाचा है ये, मायदा जो तुमने कहा था वही हुआ। अरे हाय तभी जल्दी चले, इससे पहले इसके चाचा मुझसे पैसे मांगे। चलो चले 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 चले, मैं भी आया। चलो चलो